नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का HBN न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। 26/11 हमले में मुंबई दहलाने वाले तहव्वुर राणा को लॉस एंजलिस में अमेरिकी प्रशासन ने गिरफ्तार किया। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, कहा चाइनीज धरती थी तो हमारे सैनिक कहां शहीद हुए। चीन में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले, बीजिंग में 22 केस। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद। चीन से तनाव का असर, IPL गवर्निंग काउंसिल स्पॉन्सरशिप डील की करेगी समीक्षा। तेल के दाम में फिर बढ़ोतरी, पेट्रोल 51 पैसे और डीजल 61 पैसे प्रति लीटर महंगा। वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में फिक्सिंग का आरोप, श्रीलंका ने शुरू की आरोपों की जांच। लखनऊ में BBD के पास केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, एक की मौत, दो घायल। WHO ने कहा महामारी तेज हो रही है, हम सब नए और खतरनाक दौर में। दुनिया में अब तक कोरोना से 86.45 लाख संक्रमित। सुशांत के निधन से दुखी रतन की मां, एक्ट्रेस को नहीं जाने दे रही मुंबई। ट्रंप ने कहा चीन से पूरी तरह रिश्ते तोड़ सकता है अमेरिका। अवमानना मामले में 3 साल बाद सामने आई विजय माल्या की याचिका, कोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री से मांगा जवाब। अमेरिकी अफसर ने कहा दुनिया को महामारी में उलझाकर मौके का फायदा उठा रहा है चीन। लद्दाख में भारत से सैन्य झड़प भी इसी साजिश का हिस्सा। पहली बारिश में बिहार बेहाल, सड़कें धसी, घर में घुसा पानी। रूस से फैन ने भेजी पार्वती और शिव की क्रोशिया से बनी डोल, अभिनेत्री आकांक्षा रावत बोली प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। चीनी सामान पर सख्ती की तैयारी, ऑनलाइन सामान बेचने से पहले कंपनी को बताना होगा कि सामान भारतीय है या नहीं। चीन पर एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार, गलवान में जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि हमने सेना को पूरी छूट दी है, देश के 1 इंच जमीन पर भी कोई नजर नहीं डाल सकता। चीन को मात देने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाया क्वाड, जंग के हालात बने तो चारों देश आ सकते हैं साथ। सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा के मस्जिद में छिपे 2 आतंकी को मार गिराए और वहीं सूफिया में भी 4 को किया ढेर। आज रात 10:14 पर लगेगा सूतक और रविवार दोपहर सूर्य ग्रहण खत्म होने तक रहेगा। अली फजल की मां के निधन पर गर्लफ्रेंड ऋचा चड्ढा ने शेयर की इमोशनल पोस्ट, कहा आपके बेटे का मैं ख्याल रखूंगी। भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी रिसर्च, कोरोना नाक के जरिए दिमाग के उस हिस्से तक पहुंच सकता है जो सांसों को कंट्रोल करता है। पायल रोहतगी ने सुनाई आप बीती, करण जौहर और एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड ना देने की भी मांग की। दुनिया की नंबर 1 राइफल शूटर रह चुकी अपूर्वा चंदेला ने कहा टूर्नामेंट होना बहुत जरूरी, इससे खिलाड़ी मोटिवेट होते हैं।